नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि खीरे की फसल में माहू कीट पर नियंत्रण कैसे करें। आइए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर जरूर करना। आइए जानते हैं, ये कीट अगर हम बात करें इसकी पहचान की तो ये कीट पत्तियों और टहनियों के नीचे की सतह से रस चूसते हैं। इससे हमारी फसल का जो ग्रसित भाग होता है वो पीला होकर सिकुड़ कर मुड़ जाता है और साथ ही इसका प्रकोप अधिक होने पर पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां सूखने लगती हैं। बात कर लेते हैं खीरे की फसल में माहू कीट से बचाव हम कैसे कर सकते हैं। फसल को खरपतवार से मुक्त रखें, समय से कीटनाशक का छिड़काव करें, प्रति एकड़ खेत में 10 पीले चिपचिपे परपंच लगाएं और साथ ही कीट से प्रभावित भाग को खेत से बाहर निकालकर जला दें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रासायनिक नियंत्रण के बारे में। दोस्तों एग्रीकल्चर वर्ल्ड का सुझाव है कि आप 80 मिली इमीड्राइक्लोपिड 17.8% SL या फिर 80 ग्राम एसीटिमाप्रिड 20% SP को 200 लीटर पानी में घोलकर इसका अपनी फसल में छिड़काव करें। इससे हम अपनी फसल में माहू कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। बात करें अगर हम इसके जैविक नियंत्रण के बारे में, तो जैविक नियंत्रण के लिए 1 लीटर इजाड्रेक्लिटिन नीम तेल 0.15% EC को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका प्रति एकड़ खेत में स्प्रे करें। इसके माध्यम से भी हम अपने खीरे की फसल में माहू कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।